माँ दुर्गा की आराधना के लिए नवरात्रि के 9 दिन सबसे शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि वर्ष में 4 बार मनाई जाती है, 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार सामान्य नवरात्रि यानी कि चैत्रीय और शारदीय नवरात्रि होती है। इस बार पवित्र मास माघ मास की गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी से शुरू होकर के यानी कि 22 जनवरी के रविवार से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 30 जनवरी तक चलेगी। गुप्त नवरात्रि पवित्र माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है और देवी की पूजा, देवी के 9 ही रूपों की पूजा और देवी के परिचारिकाओं, देवी की हर प्रकार की उपासनाओं, साधनाओं, विद्याओं को सिद्ध करने के लिए ये बड़ा ही शुभ अवसर होता है। ऐसे पवित्र महीने में, ऐसे पवित्र समय में कई लोग, कई साधक पवित्र देवी के शक्तिपीठों में जाकर के उपासना करके मंत्र सिद्धि हासिल करते हैं। हजारों साधक कामाख्या शक्तिपीठ मंदिर के प्रांगण में बैठ करके उपासना करके गुप्त नवरात्रि में मंत्र सिद्ध और जागृत किया करते हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 ही रूपों की पूजा होती है और गुप्त नवरात्रि में फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो भक्त, जो साधक होता है, जो जिन मंत्रों का जप करता है, गोपनीय तरीके से करता है, यानी कि पास बैठे व्यक्ति को भी मालूम ना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है। जबकि इसके विपरीत चैत्र और शारदीय नवरात्र में घट स्थापना करके पूर्ण विधि विधान से पूजा की है, पाठ होता है और सायंकाल में आरती भी होती है, मगर गुप्त नवरात्रि में हर प्रकार की पूजा गुप्त रूप से होती है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा ज़्यादा लाभदायक मानी गई है और सिद्धि प्रदाता सुफला मानी गई है। और हर प्रकार की अपने भक्त की मुराद इच्छा पूरी करने के लिए अपने सब परिचारिकाओं के साथ देवी सहायता करती है और देवी के सभी भक्त सभी प्रकार की उपासनाओं के करने के योग्य माने जाते हैं और ऐसा करने से हमारे हर प्रकार के दुख दर्द से हमें छुटकारा मिलता है। यही मुख्य कारण है कि इस दौरान दुनिया भर में देवी दुर्गा के मंदिरों में माता के भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। गुप्त नवरात्रि में पूजन का शुभ मुहूर्त नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि माघ महीने में 22 जनवरी को है, जो कि प्रतिपदा तिथि में सुबह 2:22 से शुरू हो जाएगी और जिसकी समाप्ति 22 जनवरी को रात्रि 10:27 तक रहेगी। घट स्थापना सुबह 9:60 से लेकर के 10:46 तक रहेगी और इस प्रकार से गोपनीय तरीके से देवी की उपासना की जाती है। मंत्र का उच्चारण इस प्रकार किया जाता है कि पास बैठा व्यक्ति भी मंत्र का जप या आवाज ना सुन सके, तभी जाकर के देवी प्रसन्न होकर के मंत्र सिद्ध कर देती है और इस दौरान हर प्रकार की उपासना, अप्सरा साधना, योगिनी साधना इत्यादि साधना करने के लिए समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अप्सरा साधना भी गुप्त नवरात्रि के दौरान सिद्ध की जाती है, जो कि जल्दी सिद्ध होती है, जिनके अंदर रत्नमाला, कांचनमाला और कुंडला हारिणी एवं उर्वशी, रंभा, अप्सरा इत्यादि की उपासना की जाती है, जिनके अंदर कांचनमाला, रत्नमाला और कुंडला हारिणी सरल साधना मानी गई है और जल्दी सिद्धि प्रदाता भी मानी गई है, जिनका फल भी जल्दी मिलता है और भक्त के हर प्रकार के दुख जल्दी दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सर जीवन के हर प्रकार के भौतिक, आध्यात्मिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु गुप्त नवरात्रि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। ऐसे समय में उच्च कोटि की योगिनी साधना भी की जा सकती है, जिनमें कुछ नियमों का पालन अवश्य करना पड़ता है, मगर उनकी सिद्धि करने के पश्चात में किसी और सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपितु एक योगिनी की सिद्धि ही व्यक्ति को हर प्रकार की बुलंदी और ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। जिनते अंतर्गत कामेश्वरी योगिनी, मधुमती योगिनी, मनोहरा योगिनी और पद्मिनी योगिनी, नटी योगिनी इत्यादि साधनाएँ मुख्य मानी गई है। कामेश्वरी योगिनी हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करके व्यक्ति को सांसारिक सुख भोग ऐश्वर्य प्रदान कर देती है और माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका के रूप में सिद्ध होती है।
और साधक के हर प्रकार के कार्य को सफल करती है, बशर्ते मंत्र जब पूर्ण रूप से सिद्धि करने के बाद में अपने गुरु से ही पूर्ण सिद्धि सामग्री और योगिनी यंत्र माला और गुटिका हासिल करने के पश्चात ही साधना करनी चाहिए। और जो भी भक्त साधक इच्छुक हैं तो अवश्य ही वह शुद्ध प्रामाणिक साधना सामग्री प्राप्त कर सकते हैं और अवश्य ही अपने सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं और देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम विधिवत और पूर्ण रूप से गाइडेंस के साथ में ये साधना करवाते हैं। एक मार्गदर्शक की तरह और पूर्ण रूप से गुरु का फर्ज निभाते हुए हम ये साधना संपन्न करवाते हैं। और अवश्य ही साधक को मेहनत करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं है। कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, ज़्यादा कठोर नियम भी नहीं है। साधक अपने गुरु के बताए मार्ग पर अगर चलता है अवश्य ही उसे सिद्धि हासिल हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। कामेश्वरी योगिनी का ध्यान इस प्रकार है। कामेश्वरी शशांकास्याम खेलत खंजन लोचनाम सदा लोल गतिम कांताम कुसुमास्त्र शली मुखीम। अर्थात कामेश्वरी देवी चंद्रवदना है, इनके नेत्र खंजन नामक पक्षी के समान चंचल है और देवी सदा चंचल गति से गमन करती है। और देवी के हाथों में कामदेव के समान पुष्प बाण हैं जो कि अपने साधक को हर प्रकार से हतोत्साहित कर देता है। देवी प्रसन्न मुद्रा में साधक को अर्धरात्रि की वेला में दर्शन प्रदान करती है और विशेष रूप से अपने एकांत कक्ष में या किसी निर्जन स्थान में मंदिर में चावल का अष्टदल बना करके उसके बीच में देवी का यंत्र स्थापित करना चाहिए और गुटी का स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात इनका पंचोपचार पूजन कुमकुम चावल अक्षत इत्र इत्यादि से पूजन करें, पुष्पों से पूजन करें, नैवेद्य अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके मंत्र जप आरंभ कर देना चाहिए। और गुरु के आज्ञानुसार ही मंत्र जप करते करते अवश्य ही अर्धरात्रि की वेला में देवी प्रकट होकर के साधक से कहती है कि तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करना है। उस समय साधक देवी को पुष्प अर्पित करे और जल का अर्घ अर्पित करे। जिस प्रकार से आप सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं उसी प्रकार बैठे बैठे अपने आसन पर अगर अर्घ अर्पित करें, घबराए नहीं, डरे नहीं और देवी प्रसन्न मुद्रा में ही आपको दर्शन देंगी और आपका सारा डर भय जाता रहेगा। और इस प्रकार से हर प्रकार का सुख प्रदान करके देवी ब्रह्मवेला से पहले अपने लोक को प्रस्थान कर जाती है और साधक को कई प्रकार के सुख और कुछ विशेष वस्तुएं रसायन इत्यादि प्रदान कर देती है। कई साधकों को दिव्य दृष्टि तक प्राप्त हुई है, ऐसे साधक गोपनीय हैं, मैं बता नहीं सकता, इसलिए तो आप सोच सकते हैं कि देवी क्या क्या प्रदान करती है। पद्मिनी योगिनी का ध्यान इस प्रकार है। पद्मासनाम श्याम वर्णाम पीनो तुंग पयोधराम कोमलांगी मेर मुखीम रक्तोत्पल दलक्षणाम। अर्थात देवी पद्मासना और श्याम वर्णा है, दोनों स्तन स्थूल और उच्च है, शरीर अत्यंत कोमल है और मुख पर सदा मुस्कान रहती है, दोनों नेत्र रक्त कमल के समान सुंदर है। इस प्रकार से देवी का ध्यान करके साधक अपने गुरु से यंत्र गुटी और माला लेकर के एकांत स्थान में बैठ करके एक प्रकार का अष्टदल चावल का अंकित करे जिसको विभिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाया हुआ हो और गुलाल और अबीर से उसको हर प्रकार से सुसज्जित कर दे, व्यवस्थित कर दे। इस प्रकार ध्यान कर लेने के पश्चात में अर्धरात्रि की वेला में अवश्य ही देवी साधक को दृढ़ प्रतिज्ञ यानी कि जो निडर निर्भीक होकर के उपासना करता है और किसी विशेष मेहमान जब आपका आता है तो आप कैसे हतोत्साहित रहते हैं, आप उसके लिए नाना प्रकार के भोज्य वस्तुएं लाते हैं या आपका कोई ऐसा घनिष्ठ मित्र आता है तो आप कैसे हतोत्साहित होकर के उसके आने का स्वागत करते हैं और उसको जो जो चीज़ें पसंद है आप उसके लिए पहले से उपस्थित करके रखते हैं, उसी प्रकार से दृढ़तापूर्वक देवी के स्वागत को उत्सुक होते हुए हर प्रकार की स्वेच्छा के अनुसार वस्तुएं उपस्थित रखें
और अवश्य ही देवी अर्धरात्रि की वेला में उपस्थित हो जाती हैं। साधक घबराए नहीं, डरना नहीं चाहिए और अपने गुरु को याद करें और देवी के मुख को देख करके प्रसन्न हुए, प्रसन्नता अपने आप आएगी और देवी के स्वरूप का दर्शन करने के बाद सारा डर जाता रहेगा। और उसके पश्चात में देवी को अर्घ्य प्रदान करें, पुष्प आसन प्रदान करें, उसके पश्चात में देवी से पवित्र और एक नियत सदाचार के रूप में वार्ता करें और जो फल मांगना है जो मांगे उसके पश्चात में देवी को प्रणाम करें। देवी अपने लोक को ब्रह्म विला में प्रस्थान कर जाती है और साधक की जब साधक पुकारता है किसी न किसी प्रकार से साधक की मदद करती है और विशेष रूप से पूर्णमासी या अमावस्या या किसी अच्छे शुभ मुहूर्त में देवी अवश्य ही साधक को दर्शन देती रहती है, सहायता करती रहती है, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।